अभी हम हरिद्वार के हर की पौड़ी पे यहाँ पे और भी शिव भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है, कहाँ से आए हैं वो, सरकार से कितना संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? छंगूराम। कहाँ से आप? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। यूपी। यूपी। अच्छा, यूपी में योगी की सरकार है, किस तरह के उन्होंने कांवड़ियों के लिए व्यवस्था कर रखी है? बहुत बढ़िया जी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जिंदगी में पहली बार कितने भी नेता विधायक सब कुछ आया, कोई भी नहीं कुछ ऐसा किया। जितना अच्छा काम योगी ने किया है, गरीब से लेके अमीरों तक लिए किसी ने नहीं किया। और हम तो गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि हर बार ही बीजेपी की सरकार रहे, जब तक जीवन रहे तब तक बीजेपी की सरकार रहे, और ऐसे इनको इनकी जिंदगी को और बढ़ाएं, योगी के मोदी के जिंदगी को और बढ़ा दें, 20 साल और बढ़ा दें, जहाँ सा हो 120 कर दें ताकि चलता रहे। अच्छा, योगी जी से संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया जी। गुंडों का राज एकदम खत्म कर दिया उन्होंने, भगवाधारी बाबा हैं, आपने भगवा भगवा फैला दिया। योगी और मोदी जी ने तो ऐसा काम किया जो कोई कभी किया ही नहीं, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जिसके पास आधार कार्ड नहीं था, जिसके पास बैंक का खाता नहीं था। बड़े बड़े आदमियों लोग यही अपना खाता खोल के इधर उधर गुमराह करते थे गरीब आदमियों को, उनका पैसा रख लिए भाई बाद में देंगे, कौन देता है। अब जिसके पास खाता हो गया, वो पैसा अपना बैंक में रखता जाए, 10 रुपये हो जाए, 1000 रुपये हो। तो मोदी जी ने ऐसा ही काम किया और योगी ने ऐसा काम किया, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि राजस्थान और अमरावती में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो गलत हुआ, जो हमले हुए हैं, हमले हुआ तो गलत हुआ। क्या योगी की सरकार होती वहाँ पे तो होता ही है सब? ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा नहीं होता। योगी की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, वो तो एक बार दो बार कहता है कि या तो इधर सुधर जाओगे या तो फिर ऊपर जाओगे, दो में एक ही काम होगा उसका तो पक्का। बुलडोजर बाबा जैसे नाम है वैसे काम भी है उसका। तो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट पूरा। गरीबों की भाषा बोलते हैं बाबा? बिल्कुल बोलते हैं, मजबूरों की भाषा बोलते हैं बस। क्या नाम है आपका? गोमती प्रसाद। कहाँ से आप? सुल्तानपुर। यूपी से? हाँ जी। खुश हैं आप योगी से? हाँ जी। क्या क्या काम किए उन्होंने, किस तरह से आप खुश हैं? हर प्रकार के काम किए योगी जी ने, मतलब जैसे कांवड़ियों के लिए यात्रा में पूरा व्यवस्था किए हुए हैं, जगह जगह पर हर चीज हर सुविधा है। कल यहाँ पे फूलों की बारिश हुई थी, आप थे यहाँ पे? नहीं जी, कल नहीं। सुना आपने? हाँ जी। ये चलन योगी जी ने चलाया, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की थी। बारिश करने के लिए योगी जी पहले से अनाउंस कर रखे थे कि कांवड़ियों को आएंगे तो उनके जहाज से फूलों की बारिश की जाएगी। तो यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है उनसे खुश? हाँ जी, हाँ जी, पूरा खुश। क्या नाम है आपका? बढ़िया, विवेक। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से खुश हैं आप योगी? जी जी जी। क्या किया बाबा ने ऐसा, क्या है बाबा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप खुश हैं? ये का जवाब ये, बाबा जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए इस बार क्या क्या सुविधाएं की हैं? हर जगह उन्होंने शिविर लगाए हैं, रोड साफ है, हर चीज की व्यवस्था उन्होंने बढ़िया की है। अच्छा, हर जगह शिविर लगाए। 2 साल में कोरोना के टाइम पे कांवड़ यात्रा बंद थी, 2 साल बाद उत्साह कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर? ज्यादा है, ज्यादा है, अब की बार भीड़ ज्यादा है, उत्साह भी बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। आप डाक कांवड़ कहाँ से लाए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? जी। अच्छा, कितने किलोमीटर पैदल जाएंगे आप चंडीगढ़? नहीं, हम लोग बाइक से आए हैं। अच्छा, बाइक से आए हैं। जी, जी। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ से आप? सहारनपुर। सहारनपुर, आप तो बगल से ही हैं। डाक कांवड़ लेके आए हैं या खाली स्नान करने या घूमने? नहीं, मेरी झूला कांवड़ है। अच्छा, झूला कांवड़ है, पैदल जाएंगे आप? जी। कितने किलोमीटर का सफर है हमारा? 85 किलोमीटर। 85 पड़ जाएगा। 85 किलोमीटर। तो पहली बार आए हैं या? काफी बार आ रही है। कितनी बार की कांवड़ है आप? ये मेरी 12वीं है। 12वीं है। तो पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं? बहुत फर्क है पहले से। पहले व्यवस्था अलग सी दिखे थी, लेकिन अब जब बोलोगे वहाँ से सारी व्यवस्था हो गई है, हर चीज की हो गई है। जैसे बोले जाते हैं यात्रा में पुलिस की पाबंदी है, हर चीज की सुरक्षा है, कोई भेदभाव ना करे, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार ने जो करा है बहुत अच्छा करा है। कल यहाँ पे फूलों की बारिश भी हुई थी पुष्कर सिंह धाम से। संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छी लगता है आपको कि जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कांवड़ियों को कहा था कि भाई साहब मेरा हेलीकॉप्टर ले लो और इनको फूलों की बारिश करो, सब उनको देख के कॉपी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, उन्होंने जो काम करा है बहुत अच्छा काम करा है योगी जी ने। अरे योगी जी की सरकार आई है, अरे योगी की सरकार ही आएगी। खुश हैं आप योगी? बहुत अच्छी बात है। रास्ते में जो इंतजाम मिले बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं योगी जी ने, जो आज तक कभी नहीं हुए। ये साल का सबसे 2022 की सबसे अच्छी सारे हरिद्वार में कांवड़ जो चली है यात्रा बहुत अच्छी चली है, और योगी जी ने बहुत अच्छी तरह निभाई है। 2 साल से कांवड़ नहीं हुई है, 2 साल बाद कांवड़ शुरू हुई है, तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है इस बार। हाँ, इस बार कांवड़िया यात्री भी कहते हैं पहले से बहुत ज़्यादा कांवड़िया है, इसलिए
बोलेगा मैं। क्या नाम है आपका? ओम का। कहाँ से हैं आप? बालपुर से। कहाँ से? बालपुर। बरेली से, यूपी से हैं आप जी। तो ये पहली बार कांवड़ लेके आए हैं या पहले भी लेकर? ये दूसरी बार है, इससे पहले कचला से लेके आते थे। अच्छा, तो यहाँ से डाक कांवड़ पैदल जाएंगे आप? नहीं, डाक कांवड़ नहीं है, हम वो बैकुंडी लेके जाते हैं। अच्छा, बैकुंडी, वो क्या होता है कुछ बताएंगे? ये बैकुंडी जो होती है, यहाँ से हम जल भरेंगे, अगले सोमवार या तीसरे सोमवार को चढ़ाएंगे जाके। पैदल पैदल यात्रा होती है, जहाँ कहीं जगह जगह पर प्रस्थान होते हैं, रुकते हैं रात को। और डाक कांवड़ जो होती है, मतलब कि 24 घंटे में जल चढ़ाना होता है, और हम तीसरे सोमवार को जल चढ़ाएंगे यहाँ से जाके बरेली में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो खुश हैं आप उनके काम काज से? जी, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा खुश है, और उनकी ये व्यवस्था देखकर और भी ज़्यादा। हर 2 किलोमीटर पर पुलिस वाले, और जगह जगह, यानी कि 4 लेन का एक जो 2 लेन है वो कांवड़ियों के लिए छोड़ा गया है, और 2 लेन जो है वो उसमें सवारी निकल के जा रही है। तो पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में अंतर देखा आपने? बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले की व्यवस्था में कोई व्यवस्था कोई खास नहीं हुआ करती थी, अब जो व्यवस्था हो रही है बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो रही है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ से? बरेली। एक ही बात है, योगी सरकार से खुश हैं आप? अरे, योगी सरकार हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा कार्य है उनका। अच्छा, पहले की कांवड़ जब आप लेके आते थे और अब की कांवड़ लेके आ रहे हैं, तो इसमें कुछ व्यवस्था में कितना अंतर देखा है, क्या क्या मदद मिली आपको? बहुत कुछ बदलाव हो गया है, योगी सरकार ने सब कुछ चमत्कार कर दिया है। आज बहुत अच्छी व्यवस्था है देखने में भी, और जगह जगह प्रबंध भी बहुत अच्छे हैं। पुलिस 2-2 किलोमीटर पे सुरक्षा बनाए रखी है। तो आप संतुष्ट हैं योगी? हाँ, योगी जी से बहुत संतुष्ट हैं। कल फूलों की बारिश भी हुई है यहाँ पे? अब ये तो जी, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा बारिश की रही थी, फूलों की, हमें बहुत अच्छा लगा। और 3 साल बाद जो ये फर्स्ट टाइम अब मेला भरा है, हम सभी से संतुष्ट हैं, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और जितने भी कांवड़िए हैं सबके लिए अच्छा सहयोग हो रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप सर। कहाँ से आए? रेवाड़ी से। रेवाड़ी, हरियाणा से। तो आप भी डाक कांवड़ लेके जाएंगे? जी सर। पैदल? बिल्कुल। कितनी दूर है? तो बहुत दूर है। हाँ, 300 के समथिंग पड़ता है। 300 किलोमीटर पड़ता है रेवाड़ी। तो पूरी टीम आई होगी आपकी? अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था देखकर आप कितने खुश हैं? पहले से काफ़ी बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे। 2 साल बाद, जैसे कोविड के कारण जो हमारे बंद हो गई थी, उसके 2 साल बाद जो उसे साफ सफाई भी पहले भी काफ़ी अच्छी है, व्यवस्था पहले भी काफ़ी बेहतर है यहाँ की। तो कौन सी बार की कांवड़ लेके आए? ये मेरी चौथी डाक कांवड़, चौथी बार है। चौथी बार, मतलब पैदल जाएंगे आप, किस तरह की दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है? वैसे तो कोई थोड़ा दुख तकलीफ कोई ऐसी होती नहीं, क्योंकि बाबा की मेहर हमारे ऊपर, कोई ऐसी दुख तकलीफ आज तक हुई नहीं। हमारे जितनी भी कांवड़ डाक कांवड़ आई गाँव में से या हरियाणा से, ऐसी कोई दुख तकलीफ आज तक कोई महसूस नहीं हुआ। तो किस तरह के इंतजाम योगी जी ने और यहाँ पे धामी जी ने किए हैं, आप खुश हैं उनसे? बिल्कुल सर, खुश हैं हम तो। जो हमारे पास पुष्प वर्षा भी की गई थी, तो उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। और योगी जैसा ही हम चाहते हैं राजस्थान में, अभी जो कांड हुआ था, तो योगी जैसा ही वहाँ पे कुछ व्यवस्था। राजस्थान की बात की है इन्होंने, तो राजस्थान की बता दें कि राजस्थान में हिंदुओं के साथ, अमरावती में भी हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वो गलत हुआ है सर, जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। तो वो उसकी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए था, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही चाहते हैं कि योगी जैसा ही वहाँ पे कुछ आए और वो व्यवस्था करे, पहले भी जो बेहतर व्यवस्था करे। आप क्या कहेंगे राजस्थान और अमरावती में जो कांड हुए? जी, मैं यही कहूँगा, जो गहलोत जी हैं उनको चेंज किया जाए, और हर जगह जो जी जीरो बैठाया जाए। अब एक चीज बताइए, गहलोत जी है कांग्रेस के, चेंज करके कांग्रेस का ही आएगा, उनको वहाँ से कांग्रेस पार्टी को हटाया जाए। हम तो ये चाहते हैं वहाँ पे ओनली बीजेपी आए दोबारा से, बीजेपी आए। चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी, पूरे हरियाणा में बीजेपी फैले, और हम यही चाहते हैं। और मैं हर की पौड़ी से यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ये भारत है, ये दोबारा से सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु बने, जिसको ओनली बीजेपी ही बना सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं बनाएगी। आप संतुष्ट हैं योगी और धामी के काम से? सभी कामों से हम इनसे संतुष्ट हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में यही कहूँगा कि मोदी जी ने जितना भी अब तक देश के अंदर काम किया है, अन्य किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। जो विश्व गुरु बनाएगा वो ओनली बीजेपी और मोदी जी ही बना सकते हैं, बाकी और कोई पार्टी नहीं बनाएगी। क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? अमेठी डिस्ट्रिक्ट। अमेठी, मतलब अच्छा, राहुल गांधी के क्षेत्र से आते हैं आप? हाँ, बोले जी। तो ये बताइए, आप राहुल गांधी के क्षेत्र से आते, तो वहाँ पे योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम। तो आप खुश हैं योगी जी से? जी जी।
तो अगर योगी जी की जगह कोई कांग्रेस पार्टी का वो होता अपना मुख्यमंत्री तो क्या होता कुछ असर? कुछ समझ में नहीं आता उसकी, आज तक ना आया ना आता। अच्छा, यहाँ से डाक कमांड लेके जाएंगे आप अमेठी? जी। कितनी दूर है, मतलब कितने किलोमीटर का सफर है? 800 किलोमीटर। कितने देर में पहुँचेंगे आप? पैदल नहीं है, गाड़ी में, डाक कावड़ में। 800 किलोमीटर का सफर, मतलब दो तीन दिन लग जाएंगे 72 घंटे के अंदर। किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डाक कावड़ ले जाने में? कोई दिक्कत नहीं जी, भोले बाबा का आशीर्वाद। और योगी सरकार, उत्तर प्रदेश से आते हैं आप, योगी सरकार और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी जी की सरकार है, तो कितना संतुष्ट है आपकी, किस तरह की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे कावड़ियों के लिए? नहीं, व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, व्यवस्था ठीक है। बीजेपी जिंदर। कहाँ से आप? अलू राजस्थान। राजस्थान से डाक कावड़ ले जाएंगे आप? अलू ही देना। पैदल? नहीं, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल से कितने किलोमीटर का सफर है? 550 किलोमीटर, मतलब 72 घंटे के अंदर आपको राजस्थान पहुंचना है अपने शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आके कैसा लगा आप? बहुत अच्छा। पहली बार आए कांवड़ लेके? पहली बार आ रखे हैं। जैसे पहली बार का वोटर होता है बहुत उत्साहित रहता है, तो आप भी काफी उत्साहित होंगे? उत्साहित। यहाँ की व्यवस्था देखकर कैसा लग? अच्छा, अच्छा लग रहा है। कल फूलों की बारिश भी आप थे यहाँ? नहीं, कल नहीं थे। आज ही आए हैं। कल तो नीलकंठ थे। कैसा लगा नीलकंठ? बढ़िया लगा, बहुत शानदार, अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार। कहाँ से आप भी? राजस्थान। राजस्थान से। अच्छा, इस बार जो व्यवस्था कर रखी है उत्तराखंड सरकार से, आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल। पहले भी आ चुके हैं आप कांवड़ लेके? नहीं, कांवड़ पहली बार, वैसे घूमने आ गया मैं कई बार। अच्छा, तो पहले की व्यवस्था और आपकी व्यवस्था में क्या? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। अब भी अच्छी है। और यहाँ पे पुलिस भी बहुत ज्यादा सुरक्षा में, बहुत ज्यादा पुलिस भी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम। आप कहाँ से? राजस्थान। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश से जी। अभी डाक कावड़ लेके जाएंगे? नहीं, ऐसे स्नान करने आए हैं। अच्छा, योगी सरकार से कुछ खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है, हर बार ऐसी आनी चाहिए सरकार। क्या काम किए हैं इस जो की काम बढ़िया करे, कौन सा बेकार करा? सारे बढ़िया है, कोई सा पूछ लो तुम, कौन सा पूछो तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार। कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे हमले हुए थे, हाँ जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, वो एक के एक दूसरे को भड़कावा है और कुछ नहीं है, राजनीति खेली जा रही है। वो एक हिंदुओं पे, मुसलमान पे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, अगर वो मेरे से सवा शेर तो मैं भी सवा शेर, इस कारण सब एक दूसरे से बढ़ाव हो रहा है और कुछ नहीं है, बस सरकार की वजह से हो रखा है। सरकार चाहती है अगर मेरी पार्टी बने, कांग्रेस कहे कि मेरी पार्टी बने, इस कारण एक दूसरे में भेदभाव का हो रहा है, लेकिन खून तो एक ही है।